दोस्तों, अरमान मलिक के जीवन में फिर से आ गया एक नया मोड़। अरमान मलिक की तीसरी पत्नी की हो रही है खूब चर्चा। आखिर कौन है सुमित्रा? आखिर क्यों मिल रही है अरमान मलिक को जान से मारने की धमकियां? क्या है अरमान मलिक के इस ऑडियो की सच्चाई? क्या सच में अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक नहीं बल्कि कोई और है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको अरमान मलिक के उस ऑडियो का सच बताएंगे जो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पैसे मांग रहे तो टिक्की हरकतें कर रही हूँ मैं। हाँ, नहीं यार, मैंने तो भारी मदद की, आज मैं परेशान हूँ, मैंने इतने मैसेज किए तुम लोगों को। मतलब यार, मैंने कितने पैसे लेने पता है ना तुम्हें, उसके बाद भी बोल रही थी दिए नहीं। आज मैं पास ना मुझे दिए, सुन मेरी बात, ना तो मुझे दिए और उसके बाद भी मैंने तेरी मदद की है। तुम क्या मतलब, तुमने मुझे, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। चलिए बताते हैं आपको डिटेल में कि क्या वाकई अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल हैं या फिर सुमित्रा। दरअसल यूट्यूबर अरमान मलिक अपने ब्लॉग्स के जरिए अपने लाइफ के बारे में सभी को बताते चलते हैं। हाल ही में उनकी दोनों बीवियों ने बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें लेकर अरमान को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। फिर चाहे वो बच्चों के डार्क स्किन टोन को लेकर हो या फिर बच्चों के मुस्लिम नाम रखने को लेकर, मगर इस बार अरमान मलिक अपनी पहली वाइफ को लेकर काफी ट्रोल हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पायल मलिक की वजह से अरमान क्यों ट्रोल हो रहे हैं, तो आपको बता दूं दोस्तों कि इन दिनों अरमान मलिक पायल मलिक को लेकर नहीं बल्कि अपनी तीसरी बीवी को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों अरमान की एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला अरमान से रो रोकर पैसे की मांग कर रही है। साथ ही इस ऑडियो में अरमान मलिक कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैंने 15,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाले तो हैं। इसके साथ ही महिला रो रोकर अपने बच्चों का जिक्र ऑडियो में कर रही है, जिसके बाद से ये ऑडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इस पर लोगों की टिप्पणी भी तरह तरह की आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अरमान की पहली वाइफ सुमित्रा हैं और इनसे अरमान के 2 बच्चे भी हैं। लेकिन जब से ये ऑडियो वायरल हो रही है तब से लेकर अभी तक अरमान मलिक ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं दिया है, बल्कि अरमान मलिक अपने इंटरव्यूज और ब्लॉग्स में काफी मशरूफ दिख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि अरमान मलिक और सुमित्रा को लेकर जो भी बातें सोशल मीडिया पर चल रही है वो सारी चीजें फेक है और अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक ही है। वहीं बीते कुछ दिनों पहले पायल मलिक की भी एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो अपने हेटर्स को जान से मारने की धमकी दे रही थी, क्योंकि उनकी बेटी तूबा को काफी ट्रोल किया जा रहा था। साथ ही उनकी नन्ही परी को लोगों की बद्दुआ भी मिल रही थी। कुछ लोग तो पायल की बेटी तूबा को मरने की बद्दुआ दे रहे थे, जिसके बाद से पायल ने वीडियो बनाकर अपने हेटर्स को करारा जवाब दिया और सरेआम अपने हेटर्स को जान से मारने की धमकी भी दी थी। वहीं कुछ दिनों पहले अरमान अपने 3 बच्चों के मुस्लिम नाम रखने को लेकर भी काफी ट्रोल हुए थे। अरमान को काफी गालियां भी मिली थी। हालांकि बाद में पायल मलिक और कृतिका ने अपने ब्लॉग्स के जरिए लोगों को ये बताया कि हमने बच्चों का नाम बदल दिया है, मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी भी अरमान मलिक अपने ब्लॉग्स में इन 3 बच्चों का नाम उन्हीं नामों से पुकारते हैं। फिलहाल अरमान मलिक की इस ऑडियो पर आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।